लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे, वो चाहे प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो। किसी भी तरह का मुझे अगर नोटिफिकेशन मिलता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसका लिंक दे दूँगा, उसके साथ साथ वीडियो के साथ आपको पूरे डिटेल से बता दूँगा और आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है नहीं करना है वो आपको एक एक स्टेप बताएंगे, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा खुद भी, ठीक है। और मेरे एक टेलीग्राम है ग्रुप, जो कि आप टेलीग्राम ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां जा करके आपको डेली अपडेट जो है वीडियो वहां पे मिलता रहेगा। तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा डायरेक्ट, उसका लिंक जो है ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का ग्रुप का, और उसमें जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप लोग को डेली अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, पहले हम लोग उसके पीडीएफ को देख लेते हैं क्या क्या चीज़ उसमें दिया गया था डिटेल, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है जो कि मैंने खुद ही उसमें सेलेक्ट करके रखा था। इसमें कैसे अप्लाई करना है, कंपनी का नेम है एमजी मोटर इंडिया लिमिटेड है, क्वालिफिकेशन जो आईटीआई पास और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट ही से अप्लाई करेंगे। जो भी कैंडिडेट 2020 और 21 में पास आउट हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज नॉट मेंशन फॉर पोस्ट वाइज एज रिलैक्सेशन डिटेल विजिट ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग ले चलेंगे, वो दिखाएंगे एक एक स्टेप बताएंगे, ठीक है। आपको पूरा अप्लाई करके भी दिखाएंगे और आप लोग जो भी आईटीआई वाले या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है वो लोग जरूर 100% आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए सारा चीज़ दिया गया है, सेक्टर कौन सा कंपनी है, कंज्यूमर डायरेक्टरी इंडस्ट्री रिटेल एंड होलसेलर डिक्शनरी सब इंडस्ट्री सारा चीज़ में डिटेल दिया गया है। तो ये एड्रेस दिया गया न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। सैलरी जो रहेगी आपका सीटीसी रहेगी 28,600 पर मंथ रहती है, इन हैंड सैलरी जो है आपको 26,825 रुपये पर मंथ आएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था जो कि परमानेंट जॉब है, सिलेक्ट प्रोसेस है, नो रिटेन टेस्ट होगा, नो इंटरव्यू होगा, ओनली इंटरव्यू प्रोसेस पे ही होगी। इसके लिए जो क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा, पीएफ, ईएसआई, कैंटीन फैसिलिटी, इंश्योरेंस ग्रुप, डोमेस्टिक चार्जेस, डॉक्यूमेंट्स, 10th मार्कशीट, आईटीआई मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूम, 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगेगी। चलिए ठीक है, अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हुए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद हमको क्या करना है, इसके करियर सेक्शन को खोजना है। करियर सेक्शन को खोजने के बाद ये हम डायरेक्टली इसके करियर सेक्शन में ही है। तो आप अगर नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर जगह कहीं पर होगा करियर सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए करियर सेक्शन दिया गया, यहाँ पर करियर सेक्शन पर सिलेक्ट करके उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको सबमिट करना है। क्या सबमिट करना है कि यहाँ पे जो भी चीज़ दिया जाता है यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको अपना डालना है खुद का, ठीक है। यहाँ पे खुद का फर्स्ट नेम आप अपना डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें लास्ट नेम आपका यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे लास्ट नेम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अपना करेंट रिसेंट मोस्ट जो है एम्प्लॉयर कहाँ का थे आप लोग उसका डालेंगे, ठीक है। तो जहाँ का थे आप लोग वहाँ डालेंगे, ठीक है। तो जहाँ आप पहले काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे तो नहीं डालना है, कोई बात नहीं। ट्रेनिंग में है तो ट्रेनिंग डालेंगे, ठीक है। उसका हम डिटेल इसमें डालते हैं, गैस टरबाइन जहाँ भी आप किए थे उसका आप प्रोफेसर है तो प्रोफेसर का डालेंगे, नहीं तो आप लोग कोई बात नहीं। टरबाइन रिसर्च, ठीक है, जो है आप लोग डिटेल से आपको बता रहे हैं, जो है फैक्ट है मैं बता देता हूँ आपको, फैक्ट के लिए ही बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और एक और ऑप्शन दिखाऊँगा, ठीक है, वो भी आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम लोगों को करना है, ठीक है। उसमें भी आपको एक भी स्टेप को नहीं छोड़ना है कि आपको हम क्या एक भी चीज़ के लिए हम लोग किसी तरह का स्कैमिंग के या कुछ दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हम आप पूरे डिटेल से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ किसके कहाँ के लिए अप्लाई करना है, यहाँ उसमें डालना है गुड़गांव बड़ोदरा, तो गुड़गांव के लिए ऑप्शन है तो गुड़गांव डाल देंगे। प्रेफर जो है एडमिन कम्युनिकेशन किसके लिए हम लोग कर रहे हैं तो वो चीज़ इसमें डालना होता है, आईटी, लीगल, मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, परचेज, क्वालिटी और व्हीकल एंड इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो मेरा क्वालिटी के लिए है तो क्वालिटी के लिए इसमें डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसमें मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप लोग सबमिट कीजिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आप लोग करिएगा उसमें जो भी सबमिट होगा, ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा यहाँ से, तो ईमेल एड्रेस भी आप लोग सबमिट कर दीजिए। यहाँ से आपको रिज्यूम जो सबमिट करना होता है वो आपको सीवी अपडेट करना होता है। सीवी कैसे बनाएंगे वो सारा चीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में अगर कीजिएगा तो हम आपको एक सीवी बनाने का एक प्रोसेस, सटीक प्रोसेस बता दूंगा, आपको इजीली से बन जाएगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना करके
जाकर के सिर्फ 5 रुपये में प्रिंट हो जाएगा, आप प्रिंट करवा के ले आइएगा। नहीं तो आपको जो CV बनाने के लिए 30 रुपीज़ का खर्चा पड़ता है, किसी जगह 30, किसी जगह 20, किसी जगह 50 रुपीज़ लेते हैं। तो इसके हिसाब से आप लोग नहीं लीजिएगा, हम उसका फॉर्मेट दे देंगे, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, हम उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा कि CV के लिए मुझे चाहिए एक वीडियो, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं, ठीक है। रिज्यूम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देखिए क्या क्या चीज़ था, आपको दो तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते थे। पहला था लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो थोड़ा डायरेक्ट इसमें आप लोग सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट करेंगे, इस पर क्लिक करते ही आपका ये टिक लग जाएगा सही मार्क, उसके बाद यहाँ से आप लोग सबमिट कर देना है। यहाँ पे पहले एक बार चेक कर लीजिए क्या आपको दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्वालिटी के लिए जो भी चीज़ आपको डालना है पूरा परफेक्टली डालना है, यहाँ से आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ से आपको आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, आपको दिखा देगा सबमिटेड। आप वेट कीजिएगा कि कब तक आपका आता है इसमें नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी चीज़ का दिक्कत होता है तो हम इसमें जो है हमेशा वैकेंसी रहती है, तो इसीलिए हम आप लोगों को डाल देते हैं जिस सेक्टर से हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ जल्दी किसी को मिलती नहीं है, तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, तो मैंने आपको इसमें मिलते ही हम आपको वीडियो बना करके आप लोग सबमिट कर दिए। तो जो भी चीज़ का दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एक मेरे फ्रेंड ने जो सब्सक्राइबर ने एक बोला था कि आपको वीडियो नहीं बनाने आता है, तो आप अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं कि क्योंकि मुझे तो उतना नहीं है, मैं भी प्रेशर हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ, तो आप लोग मुझे अगर गाइड करेंगे तो मैं भी अपना सुधार करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कोई भी जन्म से सीख करके नहीं आता है, मैं यहीं पे सब सीखते हैं, यहीं पे सब लोग सिखाते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे का आप लोग हेल्प करेंगे तो जरूर है कि ग्रोथ कर सकते हैं, वरना आप एक दूसरे को देख करके ही जलते हैं लोग, ठीक है। तो आप लोग इसके मन में मत रखिएगा डाउट कि मुझे नहीं आता है, तो आप बस इतना कॉपरेट कीजिए कि आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किसी तरह का पैसा ना लगे और आप अपने मेहनत के बदौलत उस जॉब को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को सबमिट हो जाएगा, तो सबमिट होने में तो टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से आप लोगों को सुन, यू विल बी रिव्यू योर प्रोफाइल एंड गेट बैक यू सुन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट, वी विल रिव्यू योर प्रोफाइल एंड गेट बैक टू यू सुन, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, तो इसके लिए फिर से अगर आपको यहाँ पे भी अगर डाउट है तो यहाँ पे आपके इसके करियर सेक्शन में जा करके यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं MG, ठीक है। जो भी चीज़ का है आप कोई भी कंपनी में अगर देखना है, जो उस कंपनी का आपको इंटरेस्टेड कंपनी लगती है तो उस कंपनी में जा करके आप लोग सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को एक नहीं बहुत सारे कंपनी के लिए आती रहती है वैकेंसी, मगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आप लोग को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हम आपको बोलते रहते हैं कि हमेशा बताते रहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ में कैसे कैसे वैकेंसी निकलती है, तो आप लोग सारे करियर सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं उस कंपनी के करियर सेक्शन में कि कौन कौन सा एडवर्टाइजमेंट आई हुई है या नहीं आई हुई है, ठीक है। तो मैं इसको एक एक प्रोसेस को बताता हूँ कि ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। लिंक्डइन पर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं कि लिंक्डइन पर भी बहुत सारे जॉब निकलते हैं, वहाँ से भी आप लोग खोज सकते हैं कि क्या क्या चीज़ के लिए अप्लीकेशन निकली हुई है, ठीक है। तो उसके लिए लिंक्डइन पर जो आती है जॉब, तो हम उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग जो भी लोग इस पर देख रहे हैं इस सब आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, आई होप आप लोगों को इसमें हो जाए, मेरा बेस्ट ऑफ लक है क्योंकि बहुत जल्दी इसमें से निकलती रहती है। मुझे जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला मैं आप लोगों को सबमिट करने की कोशिश किया, देखिए अभी तक नेटवर्क की वजह से मैं सबमिट नहीं हो पाया, जैसे ही सबमिट होगा आप लोगों को आप लोग खुद भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से, कोई ज़्यादा इसमें लाई लोचा नहीं है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही था, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भेज दीजिए, ताकि आप उन लोगों को भी हेल्प हो सके। सपोज दैट आपका अगर क्वालिफिकेशन मैचिंग नहीं करता है तो उन लोगों को भी हेल्प हो सके जिसका क्वालिफिकेशन मैच करता हो, जो लोग जॉब के लिए परेशान हो, ठीक है, उन लोगों को हेल्प हो जाए तो हो सकता है उनको मिल जाए, उनका किस्मत अच्छा हो, उनका क्वालिफिकेशन अच्छा हो, बट किसी मोमेंट के लिए वो तैयार नहीं हो या नहीं तो उनको मिल नहीं रहा है वो अपॉर्चुनिटी, जिसके कारण वो अपने ग्रोथ को नहीं रोक पा रहा है, मतलब अपने करियर को सेटल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। बस इतना ही था, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।